नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज मैं आपको एक और महान महिला के बारे में बताने जा रही हूं। सावित्रीबाई फूले महान समाज सुधारक थी। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोली देवसे था और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फूले का विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में 12 वर्षीय ज्योतिराव फूले के साथ कर दिया। ज्योतिराव फूले बहुत ही बुद्धिमान थे। ज्योतिराव फूले क्रांतिकारी भारतीय विचारक, दार्शनिक और समाज सेवी थे। विवाह के समय सावित्रीबाई फूले पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिराव फूले ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया था। उसके बाद सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिराव फूले के साथ मिलकर महिलाओं के लिए 1848 में एक बाल विद्यालय खोला। सावित्रीबाई फूले दलित समाज में ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन्हें शिक्षिता होने का सम्मान प्राप्त हुआ। सावित्रीबाई फूले ने जो दलित समाज की महिला थी उन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं थी। उस समय महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। सावित्रीबाई फूले ने विद्यालय खोलकर इस रीति को तोड़ा और महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया और विधवा महिलाओं के लिए एक केंद्र की स्थापना की, जिसमें उन्हें पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया और दलित और अछूत महिलाओं के लिए आवाज उठाई, उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई। और वहीं उसी के दौरान वहां पर प्लेग फैलने के दौरान अस्पताल भी खोला गया। अस्पताल में सावित्रीबाई फूले ने खुद भी लोगों की सेवा की, जिसके कारण उन्हें भी प्लेग से पीड़ित होना पड़ा और मार्च में उनका भी निधन हो गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।